रूप से जो आगामी हमारा पर्व आ रहा है दुर्गा पूजा और दशहरा, उसकी तैयारियों के संबंध में जो कार्रवाई की जा रही है पुलिस के स्तर से, उसकी जानकारी देने के लिए आप लोगों को बुलाया गया है। तो हर साल की बात, इस बार भी उल्लास से पर्व मनाया जाएगा और हर साल हम लोग जैसे जैसे देख रहे हैं कि इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली जा रही है, जो जुलूसों की संख्या हो या मूर्तियों की संख्या, ये हमेशा पिछले वर्ष से ज़्यादा होती चली जा रही है। उसी अनुपात में हमारी तैयारियां भी उसी रेशियो में हम लोग को बढ़ानी पड़ रही हैं। तो अब तक ये इसके लिए हम लोगों ने अभियान जो चलाया था उसके अंतर्गत अभी तक 4,02,533 व्यक्तियों को 107 के विरुद्ध हम लोगों ने चिन्हित किया था, जिनके विरुद्ध 107 की कार्रवाई की जानी थी। 4,02,533, इनमें से 2,52,540 पे जो बंद पत्र, जिसको ये बॉन्ड डाउन बोला जाता है, जितने लोगों को चिन्हित किया गया जिनके विरुद्ध प्रस्ताव भेजा गया 107 का, उसके करीब 75 से 80% लोगों को हम लोग बंद पत्र बनवाते हैं। बंद पत्र में क्या है, उसको बॉन्ड भरना पड़ता है जिसमें वो एक आश्वासन देता है कि मेरे द्वारा किसी तरह का कोई गलत काम नहीं किया जाएगा या शांति भंग नहीं की जाएगी, और यदि वो ऐसा करता है शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी है। ये संख्या आपको बाद में हम लोग दे भी देंगे, शेयर कर लीजिएगा। उसमें से 52,889 का सत्यापन कराया गया है और करीब 3,124 पहले से जमा है। इसके अलावा ये निर्देश अभी दिया गया है कि हर लेवल पर शांति समिति की बैठक होगी, इसमें थाना लेवल पर, अनुमंडल लेवल पर और जिला स्तर पर भी आवश्यकता पड़ने पर DMSP भी शांति समिति की बैठक करेंगे। शांति समिति की बैठक में उन्होंने विशेष जोर ये दिया है कि शांति समिति जो पहले बनी रहती थी उनमें पुराने लोग रहते थे, नए लोग नहीं रहते थे, तो ये भी निर्देश दिया गया कि शांति समिति का पुनर्गठन किया जाए जिसमें नए लोग आए और जो कि आगे आजकल रहते हैं जुलूस में और प्रतिमा स्थापित करने में या पंडाल के साथ रहते हैं, वैसे लोगों के साथ शांति समिति की बैठक की जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार हम लोगों ने अतिरिक्त बल की भी तैनाती की है, पूर्व के वर्षों में लेकिन अधिक बल की हम लोग तैनाती कर रहे हैं। इस बार करीब 12,500 सिपाहियों को हम लोग लगा रहे हैं बिहार पुलिस के अतिरिक्त, जो जिलों में हैं उनके अतिरिक्त, मुख्यालय के स्तर से मैं बता रहा हूँ, जो जिले के फोर्स हैं वो तो लगेंगे ही इसकी तैयारी के लिए। मुख्यालय स्तर से 12,500 हम लोग सिपाही दे रहे हैं। 33 कंपनी हमारे जो BSAP की है बिहार, जिसको सैन्य पुलिस है हमारी, 33 कंपनी उसको हम लोग दे रहे हैं। 4,500 होमगार्ड, 4,500 होमगार्ड हम लोग लगा रहे हैं विभिन्न जिलों में। और भारत सरकार से हम लोगों ने 12 कंपनी जो CAPF है, पैरामिलिट्री फोर्स है, RAF, CRPF, ITP भी जिसके अंतर्गत आते हैं, उसका हम लोगों ने अनुरोध किया है। तो वो जितनी भी कंपनी आएंगी हमारे अनुरोध के हिसाब से, जो वहाँ पे सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी कुछ कंपनियाँ हम लोग को मिलती हैं हर साल, 7 से 8 कंपनियाँ मिलती रही है पूर्व में, तो जितनी कंपनी आएगी उसको हम लोग विभिन्न जिलों में लगाते रहेंगे। जहाँ जहाँ पूर्व के वर्षों में तनाव हुआ है वैसे चिन्हों घटनाओं को और स्थलों को चिन्हित किया गया है और वहाँ पर अभी से ही विशेष रूप से तैयारी की जा रही है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। अभी आज एक न्यूज़ आइटम भी छपा था जिसमें आपने देखा था कि तेज आवाज़ के जो पटाखे हैं वो उसको प्रतिबंधित कर दिया गया है, न्यूज़ में भी आया था, तो उसको भी रिट्रेट किया गया है कि जो इस तरह के जो NGT है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसकी तरफ से भी पूरे देश में ही बैन है, उसी हिसाब से बिहार राज्य में भी उसको बैन किया गया है, उसका 1 डेसिबल निर्धारित किया गया है, तो उस तरह के पटाखों पर भी रोक अब यहाँ पर भी रहेगी। बाकी सबसे महत्वपूर्ण है जुलूस का जो भी है लाइसेंस लेना है, कोई भी ऐसा जुलूस नहीं निकलेगा जिसका लाइसेंस नहीं होगा। बिना लाइसेंस के जुलूस अगर कोई निकालेगा या विसर्जन का जो जुलूस निकलता है वो निकालेगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसलिए पूर्व के वर्षों से कि जो भी जुलूस निकलता है उसके लिए लाइसेंस लिया जाता है उचित माध्यम से, और लाइसेंस में हम लोगों ने ये भी कंडीशन रखी कि उसमें जो भी लोग एक्टिव रहते हैं उनमें कम से कम 15 से 20 आदमी का नाम हम लोग दें उसमें कि ये लोग लाइसेंस लेने वालों में है, ताकि तो उनका समर्थन भी प्राप्त किया जाए। यदि आपका पंडाल आप लाखों रुपए में बनाते हैं उसमें अगर आपने 2-4-5 हज़ार रुपए 2 CCTV या 3 CCTV कैमरा लगाने में लगा दिए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो उसको भी हम लोग प्रेरित कर रहे हैं लोगों को कि CCTV जरूर लगाएं, ताकि यदि किसी तरह की कोई बात होती है तो उससे हम लोगों को सहयोग मिलेगा। व्यवस्था से जुड़े लोग हैं वो तो रहते हैं ये कमांड सेंटर में, उसके अलावा हमने स्पेशल ब्रांच के भी लोग उसमें रहते हैं कि यदि कहीं से कोई सूचना आती है तो वो रहे। उसके बाद हमने वहाँ पे TV पैनल्स लगा दिए हैं, आप लोग की भी सूचना या TV में आ जाता है या आपके जो न्यूज़ चलते रहते हैं उसमें से आ जाता है,
उसमें हम लोगों ने ईयूयू को भी डाला हुआ है। ईयूयू का भी एलिमेंट रहता है, वो इसलिए रहता है कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि सोशल मीडिया में कई लोग आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं या कुछ इस तरह की बात सामने रखते हैं, तो उसको ट्रैक करना स्पेशल ब्रांच का, सोशल मीडिया सेल का और ईयूयू का। तो सोशल मीडिया वाले उसको ट्रैक करते रहते हैं, जितने भी सोशल मीडिया है आपके पोर्टल की जो भी न्यूज़ आती है उसको भी हम लोग देखते रहते हैं। तो इस तरह से कमांड सेंटर एंगल से या किसी भी चैनल से हमको किसी तरह की कोई सूचना मिलती है तो उसको हम लोग तुरंत एड्रेस करते हैं, फील्ड को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि इसको आप देखिए किस तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। कमांड सेंटर का एक टोल फ्री नंबर तो देखिए हमारे किसी अतिरिक्त अभी और इस पे एक दो बैठकों का दौर होगा पूजा से पहले। तो कहने का केवल तात्पर्य ये था आप लोगों को ये बताना कि पूजा की तैयारी उन्होंने शुरू कर दी और जहाँ तक मैंने बताया 107 की कार्रवाई हो या आर्म्स का वेरिफिकेशन हो पर हमारा पूरा प्रयास है कि आप लोग के सहयोग से और आम जनता का भी सहयोग मिलेगा। इधर जितने भी पर्व हुए हैं, चाहे मुहर्रम हो या बकरीद हो या ईद हो या मिलादुन्नबी का पर्व हुआ था, सारे पर्व शांतिपूर्वक बीते हैं। आगे भी हम लोग को उम्मीद है कि ये पर्व भी हम लोग साल का अंतिम महत्वपूर्ण पर्व है, उसके बाद छठ आता है तो इसको हम लोग हमारे लिए ये देखिए नहीं है जैसे कितनी मूर्तियां बैठेंगी कितने जुलूस निकलेंगे ये अब लोग अप्लाई करना शुरू करते हैं। तो ये लाइसेंस लेते लेते समझिए अगले एक हफ्ते तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो ये नंबर मैं आपको अगले वीक में दे पाऊंगा कि हमारे पास कितने जुलूस निकल रही हैं, कितनी प्रतिमाएं बैठी हैं, कितने सीसीटीवी लगे हैं। ये नंबर अभी मैं आंकड़ा देखिएगा एनसीआरबी में जहाँ सांप्रदायिक दंगों का शीर्ष आता है तो हमारा स्थिति बहुत अच्छी है। हाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शून्य घटनाएं घटी, घटनाएं मुंगेर में घटी लेकिन उसमें कार्रवाई की गई। अभी रामनवमी में भी एक दो जगह घटनाएं घटी हैं तो उसे इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसमें हमारी तैयारी रहती है और हम लोग इसी प्रयास हमारा यही है कि इस तरह कार्रवाई की जा रही है। मैं इसको इस पर एड्रेस नहीं कर सकता, अगर आपने बताया होता तो क्या कार्रवाई की वो पता करके आता था। तो आपने सर बताया कि लाइसेंसों का सत्यापन किया गया नहीं, उसमें होगा मैं आपको हमारा क्या कहते हैं वेरिफिकेशन अभी अभियान चल रहा है। ये अभी पुलिस वाले जाते हैं उनको बुला उनको अपना लाइसेंसी हथियार लेके और लाइसेंस की कॉपी लेके आगे दिखाना होता है, गोलियों की संख्या का मिलान कराना होता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये प्रक्रियाधीन है और अभी फर्स्ट राउंड आप इसको कह सकते हैं कि हमने पर्व त्यौहार के हिसाब से इसको शुरू कराया था एडवांस में। सेकंड राउंड आप समझिए कि दिसंबर के बाद से फिर से शुरू होगा जब हमारे के लिए सभी जिला पदाधिकारियों को दिया गया मैंने इसको अप्रूव कराना होगा किसी तरह करने का। और जहाँ हाँ नहीं नहीं सर नहीं नहीं ऐसा कोई नहीं है, जो रूल बनता है पूरे बिहार के लिए बनता है। मैं देखिए पंडाल पे कैमरा लगाने का हम लोगों ने कहा है कि हम कंडीशन लगाएंगे, लोगों को प्रेरित करेंगे कि सीसीटीवी कैमरा लगाए। हम ये एक ऐसा लीगल बाइंडिंग नहीं है आपके ऊपर, मैं आपको ये नहीं कह सकता हूँ कि आप मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरी शर्ट पहन के आएंगे, आप कोई भी शर्ट पहन के आ सकते हैं। कितने जिले संवेदनशील जिले हैं जिनको बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा नजर बनाए रखे हैं? कुछ हमारे देखिए जिले है पहले से संवेदनशील रहे हैं, सीवान है या बल्कि प्रतिनियुक्ति रहती है उसी अनुपात में होती है। एक बार अगर पूछेगा ये जिला एसपी को वैसे इसमें लाठी ज्यादा दिया गया, जिला एसपी अगर चाहे तो इसको सशस्त्र के रूप में भी यूज कर सकते हैं लेकिन मेनली हम लोग इसको प्राइमरीली लाठी बल के रूप में यूज करते हैं। सर 20 पुलिसिंग की बात सर हुई थी और सर्वे की बात हुई थी कि डोर टू डोर सर्वे भी पुलिस करेगी और फिर वहाँ पे जो सार्वजनिक दुकान है या जो भी लोग होंगे उनको चिन्हित किया जाएगा इलाकों को और वहाँ कैमरे लगाने की बात हुई, वो कहाँ तक पहुँच पाया और इसका अपडेट अभी तो मेरे पास है नहीं ऑफ एंड, लेकिन इसमें पटना जिले में तो काम हुआ है उसमें। पटना आईजी ने पिछली बार जब समीक्षा बैठी हुई थी उन्होंने जानकारी दी थी कि काफी टीओपी खुले हैं और उसमें काम भी हुआ है। सर प्रतिशत अभी नहीं हो पाया होगा, मैं पास आ रहा हूँ, करीब करीब 70% टीओपी अभी शुरू हुआ है। सामुदायिक घटना ना हो इसके लिए तो आपने जो अच्छा इंतजाम किया है वो बताया, लेकिन दशहरा पर्व कैसा है जो लोग अपने फैमिली के साथ घूमने निकलते हैं, महिला जो है वो निकलती है तो महिला पे मतलब कोई मंचलों मंचलों पे मैं बोल रहा हूँ उस पर रोकने के लिए रोकथाम के लिए
इस तरह के देखिए दृष्टांत हमारे बिहार में रहते नहीं, मैं आपको बताऊं तो ये छेड़छाड़ वाले अगर आते हैं तो उसमें पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है। जो इतना ये बल दिया गया ये किस लिए दिया गया, ऐसा थोड़ी ना खाली जुलूस को स्कॉट करने के लिए हर पंडाल पे बल की प्रतिनियुक्ति होगी, हर चौक चौराहे पर होगी, हर बाजार पे होगी। यदि इस तरह का कोई गलत काम करता है तो उसमें तुरंत कार्रवाई होगी। इसमें मुझे नहीं लगता कि बिहार में इस तरह की कोई कभी शिकायत रही है कि छेड़खानी की वृहद पैमाने पर कभी कोई घटना घटी हो। इस तरह का दृष्टांत तो मेरे सामने नहीं आया, अगर आपके पास कोई हो तो बताइए। पुलिस मुख्यालय के स्तर पर तो आप नंबर जारी करेंगे किसी तरह की सूचना को लेकर, जिले में हर का 24/7 कंट्रोल रूम काम करता रहता है। मुझे लगता है कि जिले के कंट्रोल रूम की जानकारी सभी लोगों को होगी। कंट्रोल रूम तो उनका हमेशा चलता है। हमारा कंट्रोल रूम के बारे में मैंने विशेष रूप से इसलिए बताया कि हमारा जो कंट्रोल रूम है वो थोड़ा सा एक्सपैंड हो गया, उसके मतलब कमांड सेंटर के रूप में लिए, थोड़ा रिफॉर्म हो गया, 3-4 लोगों को जोड़ के कर दिया गया, सब एक जगह बैठेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर को कहीं फोर्स भेजने वाले, कोई घटना घट गई सोशल मीडिया ने कहा कि भाई यहाँ पे तनाव हो रहा है तो लॉ एंड ऑर्डर वाला, अब सब लोग पहले अलग अलग बैठते थे तो एक जो सिनर्जी बनती थी जो और टाइम लैग हो जाता था उसमें वो नहीं होता है। बिल्कुल हाँ, उसका आदेश अभी निकला नहीं है लेकिन वो छुट्टियां रद्द हो जाए। एक दिन उसमें आगे पीछे हो सकता है, सब लोगों से मिलेंगे और वहाँ भी की अरे इन्होंने पूछा ना अभी वही तो बता एक सवाल के साथ क्लोज कर सकते हैं कि जो नॉर्म्स फॉलो नहीं करेंगे उनके खिलाफ क्या एक्शन होगा, किस तरह की तरीका भाई की जाएगी, ये तो इसमें देखिए लॉ में इसका हर चीज का प्रावधान है। आम इसका मिसयूज करेगा, अभी देखिए हर्ष फायरिंग में पिछली बार मैंने बोला था हर्ष फायरिंग की घटनाएं पिछले साल 99 घटित हुई थी 2022 में, अभी हमारा सितंबर तक का आंकड़ा है, अक्टूबर महीना चल रहा है, अभी तक हमारे पास 46 घटनाएं घटी हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, उसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं, उसके लिए भी मैंने मंथ वार क्योंकि वो आदेश निकला था 27 जून को, उसके बाद से अभी हम लोग देख रहे हैं, लेकिन उसको हम अभी अपना अचीवमेंट इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि ये जो थोड़ा सा लल पीरियड था इसमें ज़्यादा होता नहीं, अब मेन आएगा पद जब पर्व त्यौहार आएंगे, शादी विवाह, इसमें शादी विवाह था नहीं, पितृपक्ष आ गया, ये सब आ गया, तो असली टेस्ट उस समय आएगा कि आगे क्या रहता है। तो उसको भी हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं कि उस आदेश और उसके अनुपालन से कुछ कमी आई कि नहीं आई, लेकिन अभी जो आंकड़ा प्राइमरी फेसाई दिखता है उससे तो लगता है कि काफी मतलब ठीक हुआ है क्योंकि 50% पे भी चल मतलब 40% पे चल रहा है पिछले साल। बढ़ा दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं नहीं हर स्वाइनिंग का कोई चिन्हित नहीं है, जो उसको देखिए पूरे अरे देखिए हर स्वाइनिंग में जिसका सलाह जिसका दिमाग सनक जा रहा है वो हर स्वाइनिंग कर दे रहा है।